हेलो एवरीवन मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप कुछ भी कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट लर्नो डॉट कॉम तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ्स का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज ए पी यस तो एरेथमेटिक प्रोग्रेशन को हम खत्म करेंगे कुल मिलाकर दो वीडियो में ये वीडियो हमारा पहला पार्ट है जिसके अंदर हम कवर करेंगे कि एरेथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे टर्म ऑफ एपी के बारे में डिस्कस करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं पहले ही बता दूं कि यहां पर इस वीडियो में थ्योरी करेंगे कॉन्सेप्ट करेंगे और जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं पिक करूंगी आपके एन बुक के अनसॉल्व एक्सरसाइज से तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट तक तो लगभग आप समझ लो कि एनसीईआरटी का जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है वो मोटा मोटी आपका इस वीडियो में ही कवर हो जाएगा तो जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे वो आप जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठोगे यू विल बी एबल टू सॉल्व देम ऑल ओके सो आर वी रेडी लेट्स गेट स्टार्टेड तो एरेथमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं नाम तो बड़ा भारी बरकम सा है एरथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं बट कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सीधा साधा सा और मैं ये भी बता दूं लेसन के शुरू होने से पहले ही कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉर्मली ये ट्रेंड पाया गया है कि हर साल इस लेसन से दो क्वेश्चन आते हैं एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मतलब एक या दो नंबर का और दूसरा तीन या चार नंबर का राइट right? तो कुल मिला के पांच छह नंबर के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना है दो कॉन्सेप्ट जो समझना है एंड यू आर डन ठीक है तो एरेथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इट इज अबाउट कह सकते हो कि पिगी बैंक की बचत के बारे में पढ़ेंगे हम पिगी बैंक की बचत मुझे याद आया जब मैं छोटी थी तो एक पिगी बैंक था मेरे पास तो मेरे पापा मुझे कुछ पैसे दिया करते थे मतलब कुछ पैसे मतलब महीने के सौ रुपये टिप्स पिगी बैंक में डालने के लिए और ऐसी डील हुई थी पापा के और मेरे बीच में कि हर महीने वो जो पैसे हैं वो थोड़े बढ़ जाएंगे तो अगर पहले महीने मुझे सौ रुपये मिलेंगे तो अगले महीने दस रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे यानी कि एक सौ दस मिलेंगे उसके अगले महीने दस रुपये और एक्स्ट्रा यानी कि एक सौ बीस उसके अगले महीने 130 फिर 140 ऐसे करते करते हर महीने मुझे दस रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे ठीक है अब पिगी बैंक में तो मैं डालती चली जा रही थी पर जब साल खत्म होता था तो टाइम आता था पिगी बैंक को फोड़ने का और यह देखने का कि कितने पैसे बने राइट तो अब अगर एक ऐसे सिनेरियो में मैं पूछूं कि अगर मैं इसी पैटर्न से पिगी बैंक में पैसे डालती जा रही हूं पहले महीने 100 फिर 110 फिर 120 फिर 130, और मैं अगर पूछूं कि भाई तीन साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे? अब बैठ के ये सारे पैसे जोड़ना कुड भी टीडियस राइट तो इसीलिए क्यों ना हम कुछ शॉर्टकट अपनाएं और वहीं पे आता है ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जहां पर एक पैटर्न है जहां पे यहाँ पे जैसे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या है 100, 110, 120, 130, 140, 150 एक पैटर्न है राइट क्या पैटर्न है हर एक नंबर जो है अपने पिछले वाले नंबर से 10 ज्यादा है यानी कि हर नंबर पे मैं 10 ऐड कर रही हूं तो मुझे अगला नंबर मिल रहा है तो ये मेरा पैटर्न है राइट तो इसी तरह के लिस्ट ऑफ नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे एरेथमेटिक प्रोग्रेशन में सुनैना को नई जॉब मिली है उसे सैलरी ऑफर किया गया है टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ और उसे यह भी बता दिया गया है कि हर साल उसे हजार रुपए की इंक्रीमेंट मिलेगी ठीक है तो सुनैना ने जॉब ज्वाइन किया है इस साल दस हजार रुपए पर मंथ में तो अगर मैं पूछूं कि आज से सत्रह साल बाद सुनैना की सैलरी कितनी होगी राइट right? तो हमारे पास फिर से एक इस तरह की लिस्ट बन जाएगी कैसी लिस्ट इस साल सैलरी कितनी है टेन थाउजेंड अगले साल कितनी होगी वन थाउजेंड ज्यादा यानी कि इलेवन थाउजेंड उसके अगले साल कितनी होगी वन थाउजेंड और ज्यादा यानी कि ट्वेल्व थाउजेंड फिर थर्टीन थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड तो यहां पे भी एक पैटर्न है जहां पर हर दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि थाउजेंड वो सेम है राइट right? और यही है हमारा ए पी तो मैथमेटिकली अगर हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जहां पर हर दो कंजक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज सेम यानी कि जो हमारा मतलब पहला नंबर है उस पर हम कुछ ऐड करते हैं तो दूसरा मिलता है फिर उस पर हम उतना ही ऐड करते हैं तो तीसरा मिलता है फिर उसमें उतना ऐड करते हैं तो चौथा मिलता है तो इस तरह की जो सीरीज होती है उसे हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है शॉर्ट में कहते हैं एपी कुछ टर्मिनोलॉजीज अब इस लिस्ट के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं टर्म जैसे कि जो पहला नंबर है उसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म जो आखिरी नंबर है उसे हम कहेंगे लास्ट टर्म कोई चौथा नंबर है तो हम कहेंगे फोर्थ टर्म उसी तरह अगर हम कहें कि कोई nth पोजीशन पे नंबर है कितने पोजीशन पे है एग्जैक्टली पता नहीं तो हम क्या कहेंगे nth टर्म एग्जैक्टली ठीक है क्लियर हो रहा है हम बिल्कुल बेसिक्स से जा रहे हैं और अभी-अभी हमने अभी बताया कि एपी में एक बहुत क्रिटिकल रोल कौन प्ले करता है जो डिफरेंस होता है क्योंकि वो डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए यानी कि पहला और दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस होना चाहिए दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में उतना ही डिफरेंस होना चाहिए तीसरे और चौथे टर्म के बीच में उतना ही डिफरेंस होना चाहिए चौथे और पांचवें टर्म के बीच में और इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस इसे हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर डी से ठीक है और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं अगर हमारे पास एक सीरीज दी हुई है तो हम कहेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज कॉमन डिफरेंस और वेरीफाई करने के लिए आप यह देख सकते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन तो एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पिगी बैंक वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो उसकी जो सीरीज हमारी थी जो लिस्ट थी वो कैसी थी हंड्रेड हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी हंड्रेड फोर्टी एंड सो ऑन तो यहां हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हंड्रेड यहां हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है टेन क्योंकि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज टेन एंड वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सीरीज ठीक है तो यहां पर कॉमन डिफरेंस हो गया टेन कॉमन डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ठीक है तो अगर हमारे पास एक ऐसी लिस्ट हो जिसमें पहला टर्म मेरा हंड्रेड है उसके बाद का नेक्स्ट टर्म मेरा एट्टी है फिर अगला टर्म सिक्सटी है अगला टर्म फोर्टी है अगला टर्म ट्वेंटी है तो ऐसे केस में क्या हो रहा है घटते जा रहे हैं नंबर्स कितने घटते जा रहे हैं बीस बीस घटते जा रहे हैं तो यहाँ अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि एट्टी माइनस हंड्रेड कितना माइनस ट्वेंटी तो यहां पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है ठीक है तो कुल मिला के किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन जहां पर d हमारा कॉमन डिफरेंस है और a हमारा फर्स्ट टर्म है कई बार आपके आगे इस तरह की सिचुएशन आ सकती है कि आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है और आपको पूछा जाएगा कि क्या यह एपी है अब कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स ए पी है या नहीं ये बताने के लिए कॉमन डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो आपको पहले देखना है कि इस ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है और इस ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या है अगर हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है वही सेम नंबर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है यानी कि वो जो लिस्ट दी हुई है वो ए पी है अब ए पी दो तरह के होते हैं एक होता है फाइनाइट ए पी एक होता है इनफाइनाइट ए पी इनफाइनाइट मतलब जो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलते रहता है राइट right? तो फाइनाइट एपी मतलब एक ऐसा एपी जिसका एक फिक्स्ड लास्ट टर्म हो जैसे कि फिर से मेरे पिगी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे मैंने पिगी बैंक में पैसे डालना शुरू किया साल के शुरू में जनवरी महीने से और मैंने कहा कि ये जो पिगी बैंक में पैसे डलेंगे सिर्फ एक साल के लिए डलेंगे ठीक है तो यानी कि जो मेरी लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी वो कैसी होगी हंड्रेड हंड्रेड टेन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड थर्टी कि कहां तक होगी ऐसे सिर्फ बारह नंबर्स होंगे क्योंकि एक साल तक ही चलना है और हर महीने का एक नंबर यानी कि हर महीने कितने पैसे डाले वही रहेगा तो इस वाले जो लिस्ट होगी इस लिस्ट में हमारे सिर्फ ट्वेल्व टर्म्स होंगे तो एक फिक्स्ड लास्ट टर्म होगा तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे फाइनाइट एपी लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं ये जो पिगी बैंक में डालने का सिलसिला है ये चलाती रहूं हमेशा के लिए उस केस में मेरा कोई फाइनाइट लास्ट टर्म नहीं है वो इन्फिनेटिव तक चलते जा रहा है राइट right? हमें पता नहीं कब तक चलेगा तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट एपी तो कई बार आपको जब इसकी रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो काफी आपको ऐसी सीरीज दिखेगी जो इस तरह से स्टार्ट होगी टू फोर सिक्स एट कॉमा देके फिर डॉट 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 लास्ट में कोई नंबर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो वो क्या है वो है इनफाइनाइट एपी और कुछ ऐसे सीरीज होंगे जो स्टार्ट तो इसी तरह से होंगे टू फोर सिक्स एट और डॉट 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 के बाद लास्ट में एक टर्म होगा ट्वेंटी या फोर्टी या फिफ्टी यानी कि ये फाइनाइट एपी है क्लियर तो ये था हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल बेसिक लेवल की मतलब ये होता क्या है अगर इतना समझ में आया है तो अभी फटाफट पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ हम कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अनसोल्व एक्सरसाइजेस में भी है तो मेरे साथ साथ आपको भी करना है सॉल्व और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो समझ लो कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो भैया क्लियर है ठीक है लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन एपी और नॉट एन एपी नारियो को देखते हैं और फिर बताते हैं कि ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वेन द फेयर इज रुपीज फिफ्टीन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज एट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर सो ये हमारा गिवन सिनारियो है इस सिनेरियो के हिसाब से टैक्सी फेयर जो है एक बेस फेयर जिसे हम कहते हैं वो है फिफ्टीन रूपीज ठीक है तो फिफ्टीन रुपीज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर तो पहला एक किलोमीटर के लिए है फिफ्टीन रुपीज ठीक है टू किलोमीटर्स के लिए कितना होगा फिफ्टीन प्लस एट थ्री किलोमीटर्स के लिए कितना होगा फिफ्टीन प्लस एट प्लस एट फोर किलोमीटर्स के लिए कितना होगा फिफ्टीन प्लस एट प्लस एट प्लस एट करेक्ट तो अगर हम इसका एक बनाते हैं सीरीज इस तरीके से फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस एट फिफ्टीन प्लस एट प्लस एट फिफ्टीन प्लस एट प्लस एट प्लस एट तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हर दूसरे टर्म के बीच में एट का डिफरेंस है दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज एट दैट मीन्स इनका एक कॉमन डिफरेंस है राइट right? हर दोनों टर्म के बीच में आठ आठ का गैप है तो इसीलिए ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्वेश्चन नंबर टू द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इट डिगिंगी फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रुपीज फिफ्टी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर काफी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है सो so यहाँ पर कहा जा रहा है कि वन मीटर डिग करने के लिए जो कॉस्ट है दैट इज वन फिफ्टी मतलब जो पहला वन मीटर है उसके लिए वन फिफ्टी है उसके बाद हर वन मीटर के लिए जैसे अब दो मीटर अगर डिग किया तो कितना कॉस्ट लगेगा वन फिफ्टी प्लस फिफ्टी उसके बाद अगर तीन मीटर डिग गया तो कितना लगेगा वन फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी ठीक है तो इसकी अगर हम सीरीज बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि हर दो टर्म के बीच में द डिफरेंस इज फिफ्टी दैट मीन्स इट हैज अ कॉमन डिफरेंस एंड देयरफॉर ये भी एक एपी है क्वेश्चन नंबर थ्री राइट ए पी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ए एंड डी ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म एंड डी रिप्रेजेंट करता है कॉमन डिफरेंस सो द फर्स्ट टर्म इज माइनस टू दैट मीन्स द प्रोग्रेशन विल स्टार्ट विद माइनस टू कॉमन डिफरेंस इज ज़ीरो यानी कि दो कन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज जीरो तो यानी कि ये सीरीज कुछ ऐसा होगा माइनस टू माइनस टू माइनस टू एंड सो ऑन बट इसे भी हम एपी ही कहेंगे राइट क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो है हर दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस जीरो सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एपी एपी ये एक है माइनस वन एंड डी इज हाफ तो यानी कि पहला टर्म शुरुआत होगी माइनस वन से कॉमन डिफरेंस है वन बाई टू कॉमन डिफरेंस का फंडा ये है कि जब भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो ना तो हम क्या करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ठीक है उसी तरह थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म उसी तरह फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म और इन सब के डिफरेंस का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए तो यहां पर कॉमन डिफरेंस इज वन बाय टू यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज वन बाई टू तो हमारा सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस वन बाई टू तो हम क्या करेंगे माइनस वन के साथ प्लस वन बाई टू जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा माइनस वन बाय टू अब माइनस वन बाय टू के साथ प्लस वन बाय टू जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा जीरो जीरो के साथ प्लस वन बाय टू जोड़ देंगे कितना मिलेगा वन बाय टू वन बाय टू के साथ वन बाय टू जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा वन तो इस तरीके से चलता रहेगा हमारा ये एपी ठीक है तो समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि डी की वैल्यू दी होती है और बच्चों को समझ नहीं आता है कि पहले टर्म में डी को जोड़ें कि सब्रैक्ट करें तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कॉमन डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स और वो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड ये सारे डिफरेंस सेम होते हैं तभी हम उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं ठीक है थीके? क्लियर है यहाँ तक ओके okay, ग्रेट क्वेश्चन नंबर फोर राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अब यहाँ पर एक ए पी दिया हुआ है हमें बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है तो ये ना बहुत ही टुच्चे वाले क्वेश्चन है बेसिकली बट हम इजी से ही स्टार्ट करते हैं ताकि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला टर्म क्या है मेरा थ्री तो पहला टर्म तो थ्री हो गया और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो ये हो गया माइनस टू ठीक है जस्ट टू वेरीफाई आप ये करके देख सकते हैं कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या आएगा माइनस वन माइनस वन यानी कि माइनस टू विच इज इक्वल टू दिस कॉमन डिफरेंस वो जस्ट वेरीफिकेशन के लिए आप ये चीज देख सकते हो कि हर दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है दूसरा है जीरो पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन टू पॉइंट एट थ्री पॉइंट नाइन चाहे डेसिमल्स में हो नंबर्स चाहे फ्रैक्शंस में हो दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस यू विल ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी अदर एपी ठीक है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए डेसिमल्स या फ्रैक्शन या स्क्वायर रूट उन्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं वी विल डू इट द वे वी डू इट ठीक है तो यहां पर पहला टर्म क्या है जीरो पॉइंट सिक्स तो ए हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स कॉमन डिफरेंस की बात करें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 1.7 पॉइंट सेवन माइनस जीरो हो जाएगा 1.1 और जस्ट फॉर योर सेक अगर आप चाहो तो टू पॉइंट एट माइनस नाइन माइनस टू पॉइंट एट करके देखो वो भी आएगा 1.1 पॉइंट वन विच मीन दैट दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी क्वेश्चन नंबर फाइव राइट नेक्स्ट थ्री टर्म्स तो इसके बाद के तीन टर्म्स हमें लिखने हैं ठीक है कैसे लिखेंगे अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम आराम से लिख सकते हैं फिर उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाएंगे हर टर्म के बाद है ना सिंपल है तो अभी यानी कि हमारा टारगेट क्या है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालना कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो फाइव बाई टू माइनस टू ये हो जाएगा टू फाइव माइनस फोर डैट इज़ वन बाई टू तो कॉमन डिफरेंस हो गया वन बाय टू अब हम आगे के टर्म्स कैसे निकालेंगे सेवन बाय टू के साथ हम वन बाई टू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एट बाई टू यानी कि फोर फोर के साथ वन बाई टू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा फोर प्लस वन बाई टू यानी कि नाइन बाई टू नाइन बाई टू के साथ वन बाई टू जोड़ देंगे तो हो जाएगा टेन बाई टू यानी कि फाइव तो इस तरह से हमने नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल लिए ठीक है तो कॉमन डिफरेंस निकल गया तो अब आप कोई भी टर्म्स निकाल सकते हो एक और ट्राई करते हैं थ्री थ्री प्लस रूट टू थ्री प्लस टू रूट टू थ्री प्लस थ्री रूट टू एंड सो ऑन ठीक है 3, 3 2, 2 2, 3 3 2, so तो यहां पर भी पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट टू ठीक है वेरीफाई करने के लिए देख सकते हो कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अगर आप करते हो तो उस उसके टू रूट टू माइनस रूट टू विच इज वन रूट टू कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो ये एक एपी है डी निकल गया अब इसके आगे के टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसके साथ रूट टू और एड कर देंगे सो रूट टू क्या हो जाएगा थ्री प्लस फोर रूट टू इसके साथ अगर प्लस रूट टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें भी प्लस रूट टू ऐड कर देंगे. तो, देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस फाइव रूट टू इसमें फिर से प्लस रूट टू ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस सिक्स रूट टू तो इस तरीके से हम आगे के थ्री टर्म्स निकाल लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं रूट थ्री रूट सिक्स रूट नाइन रूट ट्वेल्व एंड सो ऑन तो ये जो है इस केस में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा रूट सिक्स माइनस रूट थ्री वेरीफिकेशन के लिए चेक करते हैं कि भाई थर्ड और सेकेंड टर्म का कॉमन डिफरेंस भी सेम है कि नहीं वो हो जाएगा रूट नाइन माइनस रूट सिक्स बट रूट नाइन माइनस रूट सिक्स और रूट सिक्स माइनस रूट थ्री तो सेम नहीं है यानी कि यहाँ पर दो कन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है एंड देयर फोर दिस इज़ नॉट एन ए पी ये ए पी है ही नहीं अब चूकी एपी नहीं है तो फिर हम अगले थ्री टर्म्स भी नहीं निकाल सकेंगे करेक्ट विथ दिस लॉजिक ऑफ एपी तो ये तो हमारा हो गया गड़बड़ वो हो तो बेसिक्स तो क्लियर हो गया अब आ रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जहाँ से एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कई बार क्वेश्चंस को एग्जामिनर एकदम ट्विस्टेड बना के कॉम्प्लिकेटेड बना के भी पूछते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि हम तो सब सॉल्व कर लेते हैं राइट right? और ये टॉपिक है एनिथ टर्म ऑफ एन ए पी यानी कि अगर मेरे पास एक ए पी दिया हुआ है एक एरेथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और मैं अगर आपसे कि यार मुझे ना इस एपी का फिफ्टी टर्म जानना है भाई टर्म जानना मजाक थोड़ी है अब पचासवें टर्म तक बैठ के लिखती थोड़ी रहूँगी कि पचासवा टर्म क्या होगा लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाली हूं जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है इस यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पे और इस फॉर्मूले से फिफ्टीथ टर्म क्या आपको फाइव टर्म भी चाहिए होगा तो वो भी हम निकाल देंगे फटाक से ठीक है तो अगर हमें किसी भी एरेथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है और अगर हमें ये पता है कि कितने नंबर का टर्म निकालना है मतलब पांचवा टर्म निकालना है या पंद्रहवा टर्म निकालना निकालना है या ट्वेंटी टर्म निकालना है अगर वो पता है तो हम निकाल सकते हैं एनेथ टर्म ऑफ एपी कैसे एन एथ टर्म ऑफ ए पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से जहाँ पे एन हम सब्सक्रिप्ट की तरह लिखते हैं तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ये एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू सी इट्स एप्लीकेशन हम इसे यूज कैसे करते हैं राइट तो मैं हम फॉर्मूले के डेरीवेशन वगैरह नहीं जा रहे हैं यहाँ पे तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम कोई भी एनित टर्म निकाल सकते हैं इनफैक्ट उस एपी का कोई भी जनरल टर्म हम निकाल सकते हैं ठीक है ठीके? तो इस फॉर्मूले में अगर आप एन की वैल्यू वन डाल दोगे तो वो उस ए का पहला टर्म होगा एन की वैल्यू टू डाल दोगे तो उस ए का दूसरा टर्म होगा सेकेंड टर्म एन इज इक्वल टू थ्री विल इंडिकेट द थर्ड टर्म फोर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन ठीक है सो दिस इज ऑफन कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी सो दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम कुछ टाइम स्पेंड करें और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करें कई बार आपको इससे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो हम हर वैरायटी के क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं तो पेन और पेपर तो हाथ में ही है ना सबके तो चलो लास्ट तक देखना सारे क्वेश्चन देखना और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है वो एन से प्रैक्टिस भी करना ठीक है

यानी कि कौन से वाले टर्म की हम बात कर रहे हैं राइट जिस तरह यहाँ पे हम कह रहे हैं एनएथ टर्म तो यहाँ पर कौन से टर्म की हम बात कर रहे हैं थर्टी तो इसीलिए एन की वैल्यू हो जाएगी थर्टी और डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि सेवन माइनस टेन दैट इज माइनस थ्री फोर माइनस सेवन भी माइनस थ्री ठीक है तो सारी वैल्यूज हमें पता है बस इन्हें पुट करने की देरी है तो टेन प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है तो ये हो जाएगा टेन प्लस ट्वेंटी नाइन इंटू माइनस थ्री तो ये हो जाएगा माइनस सेवेंटी सेवन तो ये हो जाएगा हमारा एनेथ टर्म आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन एपी ये मजेदार है टू है बीच वाला को गायब कर दिया है उसके बाद ट्वेंटी सिक्स है

ट्वेंटी सिक्स माइनस एक्स के बराबर होगा क्योंकि ये क्या है ये कॉमन डिफरेंस है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि x दोनों x को अगर एक तरफ करें ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल तो सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करना है ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स प्लस टू तो हम कह सकते हैं कि टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट या फिर x इज इक्वल टू फोर्टीन तो यानी कि ये जो बीच वाला हमारा टर्म है मिसिंग टर्म हो जाएगा फोर्टीन ठीक है सिंपल था एक और ट्राई करते हैं इसी टाइप का पहला टर्म गायब दूसरा टर्म थर्टीन तीसरा टर्म गायब चौथा टर्म थ्री तो एक टर्म है एक गायब है तो यहाँ भी सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेटर सपोज ये टर्म एक्स है और ये टर्म वाई है ठीक है हमें क्या पता है 13 minus x second term minus first term will be equal to third term minus second term will be equal to fourth term minus third term ठीक है क्योंकि ये सारी चीजें क्या है ये सारी चीजें कॉमन डिफरेंस है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे दो एक एक इक्वेशन लेंगे तो सबसे पहले हम इस पार्ट को लेते हैं क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल है तो इन्हें हम सॉल्व आसानी से कर सकेंगे राइट तो वाई को अगर हम एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा टू वाई इस थर्टीन को इधर ले जाएंगे तो थर्टीन प्लस थ्री यानी कि सिक्सटीन तो हम कह सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू एट तो y की वैल्यू निकल गई अब एक बार y की वैल्यू निकल गई तो अब हम फोकस करेंगे इस वाले पार्ट पे ठीक है अब इस पे फोकस करेंगे तो थर्टीन माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थर्टीन तो यानी कि x क्या हो जाएगा थर्टीन प्लस थर्टीन माइनस एट यानी कि ट्वेंटी सिक्स माइनस एट यानी कि एटीन तो x की वैल्यू होगी 18 और y की वैल्यू होगी 8 और इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा ए पी क्वेश्चन नंबर थ्री एक विच टर्म ऑफ द ए पी थ्री एट थर्टीन एटीन इज सेवेंटी एट तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना इसमें हमसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा जा रहा है कि इस ए का एनएथ टर्म निकालो हमें बताया जा रहा है इस ए का एन एथ टर्म दिया हुआ है आपको बताना है कि ये जो टर्म है ये कितने नंबर वाला टर्म है मतलब ये फिफ्थ टर्म है टेंथ टर्म है ट्वेल्थ टर्म है कितने नंबर वाला टर्म है ठीक है हमें क्या पता है कि कोई भी ए पी का जो एन एथ टर्म होता है वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और यहाँ पर एक एन एथ टर्म दिया हुआ है जो कि सेवेंटी एट है और हमें निकालना क्या है हमें एन की वैल्यू निकालनी है ठीक है पहला टर्म क्या है थ्री तो ए की जगह हम लिख देंगे थ्री एन तो हमें पता नहीं है कॉमन डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि एट माइनस थ्री दैट इज फाइव इज़ इक्वल टू सेवेंटी एट तो अब हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है ये हो जाएगा थ्री प्लस फाइव एन माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी एट फाइव एन इज इक्वल टू सेवेंटी एट प्लस फाइव माइनस थ्री तो एन हो जाएगा सेवेंटी एट प्लस फाइव यानी कि एट्टी थ्री माइनस थ्री तो हो जाएगा एट्टी डिवाइडेड बाई फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव सिक्स थर्टी तो एन की वैल्यू हो जाएगी सिक्सटीन तो हम कहेंगे कि सेवेंटी एट जो टर्म है ये कितने नंबर वाला टर्म है ये सिक्सटीन टर्म है इस ए पी का क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी अब हमारे पास एक एपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म है सेवन लास्ट टर्म है टू हंड्रेड फाइव कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे हमें निकालना है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो एन एथ टर्म है चूंकि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो टू हंड्रेड फाइव है तो बेसिकली वो भी कोई एन एथ टर्म ही तो है तो अगर इस एपी में दस टर्म है इन दैट केस टू हंड्रेड फाइव मेरा टेंथ टर्म होगा अगर इस एपी में बाईस टर्म है तो टू हंड्रेड फाइव मेरा बाईसवा टर्म होगा राइट तो मान लेते हैं कि इस एपी में एन टर्म्स है तो टू हंड्रेड फाइव जो है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ठीक है ए की वैल्यू क्या है सेवन पहला टर्म एन तो हमें निकालना है और डी की वैल्यू क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो डी हो जाएगा सिक्स दिस इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड फाइव तो ये हो जाएगा सेवन प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड फाइव तो इसे हम कह सकते हैं सिक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू टू हंड्रेड फाइव सिक्स एन इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड फाइव माइनस वन यानी कि टू हंड्रेड फोर तो एन हो जाएगा टू हंड्रेड फोर बाई सिक्स सिक्स थ्री और सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर तो एन की वैल्यू हो जाएगी थर्टी फोर तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एरेथमेटिक प्रोग्रेशन में कुल मिला के थर्टी फोर यानी कि चौंतीस टर्म्स हैं। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं बट चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के एग्जाम के परस्पेक्टिव से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो इसके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव चेक वेदर माइनस वन फिफ्टी इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट तो देखो एनेथ टर्म को लेकर के कितने क्वेश्चन घुमा के आ सकते हैं एक आ सकता है फाइंड एनेथ टर्म एक आ सकता है कि एनेथ टर्म दिया हुआ है बताओ ये कितने नंबर का टर्म है एक आ सकता है कि एक टर्म दिया हुआ है आपको बताना है कि ये इस ए का कोई टर्म होगा भी कि नहीं ठीक है तो अगर ये माइनस वन फिफ्टी जो है अगर ये इस ए पी का कोई टर्म होगा इसका मतलब वो इस ए पी का कोई एनएथ टर्म ही होगा राइट अगर इसका टर्म होगा तो ऑब्वियसली वो या तो फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म ट्वेंटी टर्म मतलब कोई एनथ टर्म ही तो होगा है ना तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं कि अस सपोज कि ये माइनस वन फिफ्टी जो है ये इस ए पी का एन एथ टर्म है ठीक है तो अगर हमें एन की एक वैल्यू मिल जाती है ठीक है जो हमें बता दे कि भाई ठीक है ये इतने नंबर वाला टर्म है इसका मतलब है ये इस एपी का टर्म हो सकता है ठीक है बट अगर हमें एन की कुछ उल्टी पुल्टी वैल्यू मिल जाती है जिससे ये पता लगता है कि भाई ये जो है ना कोई भी एन टर्म नहीं हो सकता है दैट मीन्स कि माइनस वन फिफ्टी इस ए का टर्म नहीं हो सकता है निकाल के देखते हैं तो ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिस इज इक्वल टू माइनस वन फिफ्टी ए यानी कि पहला टर्म जो कि है इलेवन एन तो हमें नहीं पता है और डी क्या होगा एट माइनस इलेवन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू माइनस तो इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस थ्री एन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस वन फिफ्टी ठीक है तो यहाँ पे हो गया माइनस थ्री एन इज इक्वल टू माइनस वन फिफ्टी माइनस थ्री माइनस इलेवन तो हो जाएगा माइनस थ्री एन इज इक्वल टू माइनस वन फिफ्टी थ्री तो वन सिक्सटी थ्री माइनस वन सिक्सटी माइनस वन सिक्सटी फोर तो एन की वैल्यू हो जाएगी वन सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है अब 164 सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री तो आ गया है बट ये एक फ्रैक्शन ही है क्योंकि ये जो है 164 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है तो बेसिकली एन की वैल्यू जो है अगर इसे एक एन एथ टर्म होना है तो एन की वैल्यू जो है ये एक होल नंबर होना चाहिए राइट right? या तो ये फाइव फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म ट्वेंटी टर्म ट्वेंटी फर्स्ट टर्म तो हो सकता है बट टू एंड ए हाफ एथ टर्म थोड़ी ना हो सकता है राइट right? तो चूंकि ये जो है ये फ्रैक्शन है देयर फोर वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू वन सिक्सटी फोर बाई थ्री इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस ऐसे तो इनकी वैल्यू कुछ भी आ जाए बट वन सिक्सटी फोर बाई थ्री एथ टर्म थोड़ी ना कुछ होगा राइट सो देयर फोर माइनस वन फिफ्टी इज नॉट अ टर्म ऑफ द ए पी ठीक है लॉजिक समझ आ गया सबको चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स फाइंड द थर्टी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी हुज हुथ टर्म इज थर्टी एट एंड सिक्सटींथ टर्म इज सेवेंटी थ्री ठीक है तो इस ए पी का जो इलेवेंथ टर्म है इसको हम कैसे निकालेंगे ए इलेवन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन यानी कि इलेवन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्टी एट यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस टेन डी इज़ इक्वल टू थर्टी एट ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया जो सिक्सटीन टर्म है यानी कि a प्लस सिक्सटीन माइनस वन इंटू डी इसकी वैल्यू दी हुई है सेवेंटी थ्री यानी कि a प्लस फिफ्टीन डी इज़ इक्वल टू सेवेंटी थ्री ये हमारा इक्वेशन टू है हमें क्या करना है हमें निकालना है थर्टी फर्स्ट टर्म अब थर्टी फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए a की वैल्यू और d की वैल्यू पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज़ें हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं वन एंड टू और दो वेरिएबल्स हैं तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वन माइनस टू कर देते हैं यानी कि a प्लस टेन डी इज़ इक्वल टू थर्टी एट ए प्लस फिफ्टीन डी इज़ इक्वल टू सेवेंटी थ्री अब अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइंस रिवर्स हो जाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस फाइव डी और ये हो जाएगा थर्टी फाइव ठीक है तो डी की वैल्यू हो जाएगी थर्टी फाइव बाई फाइव यानी कि सेवन तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया सेवन अब डी की वैल्यू सेवन अगर पुट करते हैं किसी भी एक इक्वेशन में लेट्स इक्वेशन वन पे अगर हम पुट करें तो a की वैल्यू क्या होगी थर्टी एट माइनस टेन डी यानी कि थर्टी एट माइनस टेन इंटू सेवन सेवेंटी तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी टू तो ए और डी की वैल्यू तो हमें मिल गई तो एक बार ये वैल्यूज़ मिल गई तो अब हम आराम से थर्टी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए की वैल्यू है माइनस थर्टी टू थर्टी वन माइनस वन हो जाएगा थर्टी इंटू डी है सेवन तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी टू प्लस टू हंड्रेड टेन यानी कि वन सेवेंटी एट तो ये हो जाएगा हमारा थर्टी फर्स्ट टर्म क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई सेवन ठीक है अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर तो कोई भी आ, ए पी दिया हुआ ही नहीं है कोई सीरीज है ही नहीं तो किसको मतलब ये यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन क्यों है क्योंकि इसे हम ए पी के कॉन्सेप्ट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं कैसे थ्री डिजिट नंबर जो सेवन से डिविजिबल है क्या हम सोच सकते हैं कि कौन सा पहला थ्री डिजिट नंबर है पहला थ्री डिजिट नंबर है हंड्रेड अब हम देखते हैं कौन सा पहला थ्री डिजिट नंबर है जो सेवन से डिविजिबल है हंड्रेड सेवन से डिविजिबल है नहीं है हंड्रेड वन नहीं है हंड्रेड टू नहीं है हंड्रेड थ्री नहीं है हंड्रेड फोर नहीं है हंड्रेड फाइव हंड्रेड फाइव जो है ये सेवन से डिविजिबल है ठीक है तो यानी कि हंड्रेड फाइव जो है ये पहला थ्री डिजिट नंबर है जो सेवन से डिविजिबल है अब पहला नंबर जो है वो 105 मिल गया दूसरा नंबर क्या होगा जो सेवन से डिविजिबल होगा 105 के साथ अगर हम सेवन ऐड कर देंगे तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा 112। इसके साथ अगर हम सेवन ऐड कर देंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा जो सेवन से डिविजिबल होगा ठीक है कैसे ऐसा कैसे हो रहा है याद करो सेवन का जो हमने बचपन में जो टेबल पढ़ा था पहाड़ा याद किया ही होगा वन इंटू सेवन सेवन टू इंटू सेवन फोर्टीन सेवन वन जैन सेवन टू ज फोर्टीन सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन इसका मतलब क्या होता था सेवन इंटू वन मतलब अगर हमारे पास सेवन चीजें हैं एक ही बार सात बॉल का एक सेट है एक ही बार तो वो हो गया सेवन ठीक है अब जहां वही सात बॉल का जो सेट है वो दो बार होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे फोर्टीन तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं सात और सात को ऐड कर रहे हैं अब अगर हम सात को जो है तीन बार ऐड करें ये एक दो तीन तीन बार अगर हम सात को ऐड करें तो इसका मतलब हम क्या करते हैं सेवन इंटू थ्री तो बेसिकली सेवन इंटू टू का मतलब है सेवन प्लस सेवन सेवन इंटू थ्री का मतलब है सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन तो बहुत बेसिक चीजें हैं राइट तो हम सेवन को कितनी बार ऐड कर रहे हैं तीन बार यानी कि सेवन इंटू थ्री उसी तरह अगर हम कहेंगे फ़ोर इंटू सेवन यानी कि हम सेवन को चार बार ऐड कर रहे हैं राइट तो ये होता है ट्वेंटी एट तो इस लॉजिक के साथ अगर हंड्रेड फाइव सेवन से डिविजिबल है तो जो अगला नंबर सेवन से डिविजिबल होगा वो क्या होगा कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम और सात जोड़ देंगे जैसे यहाँ पे सेवन जो है सेवन से डिविजिबल था फिर हमने सात जोड़ दिया बन गया फोर्टीन फिर हमने सात और जोड़ दिया बन गया ट्वेंटी वन फिर हमने सात और जोड़ दिया बन गया ट्वेंटी एट उसी लॉजिक के साथ हम इस सीरीज को भी लिख सकते हैं बट चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ थ्री डिजिट नंबर के बारे में पूछा गया है तो हमें यह भी देखना होगा कि कौन सा लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है दैट इज डिविजिबल बाई सेवन फॉरगेट अबाउट सेवन लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या है नाइन 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 क्या यह सेवन से डिविजिबल है नहीं है नाइन नाइन एट नाइन नाइन सेवन नाइन नाइन सिक्स नाइन नाइन फाइव नाइन नाइन फोर अब आपको देखना है कि इनमें से सेवन से डिविजिबल कौन सा वाला है ये वाला है तो यानी कि ये लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर है जो सेवन से डिविजिबल है तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा वो हो जाएगा नाइन नाइन फोर अब ये क्या बन गया ये बन गया एक ए पी क्योंकि यहाँ पे कॉमन है सेवन हर दो टर्म के बीच में है सेवन तो ये एक ए पी है अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई सेवन यानी कि इस तरह के कितने नंबर्स होंगे इस ए पी में तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है लास्ट टर्म नाइन नाइन्टी फोर है तो हम मान लेते हैं कि ये जो नाइन नाइन्टी फोर है ये हमारा एनेथ टर्म है यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है दैट इज़ नाइन नाइन्टी फोर ए की वैल्यू क्या है पहला टर्म इज़ हंड्रेड फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज सेवन इज इक्वल टू नाइन नाइन्टी फोर ठीक है तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सेवन एन माइनस सेवन इज इक्वल टू नाइन नाइन्टी फोर माइनस हंड्रेड फाइव तो ये हो जाएगा सेवन एन इज़ इक्वल टू एट एटी नाइन प्लस सेवन तो एन हो जाएगा एट नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन सेवन बन जाए सेवन फोर्टीन सेवन एट फिफ्टी सिक्स तो एन की वैल्यू हो जाएगी वन ट्वेंटी एट यानी कि टोटल एक सौ अट्ठाईस यानी कि वन ट्वेंटी एट ऐसे थ्री डिजिट नंबर्स होंगे जो सेवन से डिविजिबल है क्वेश्चन नंबर एट हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन टेन एंड टू फिफ्टी तो ये भी कुछ उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला वाला किया था तो हमें निकालना है मल्टीपल्स ऑफ फोर जो टेन और टू फिफ्टी के बीच में रहे तो टेन के बाद सबसे नियरेस्ट मल्टीपल फोर का क्या होगा ट्वेल्व फोर थ्री ज ट्वेल्व राइट उसके बाद क्या होगा फोर फोर जिक्सटीन फोर फाइव ज ट्वेंटी फोर सिक्स ट्वेंटी फोर इस तरह से चलते रहेगा और टू फिफ्टी के तो अब देखना यह है कि 250 से पहले कौन सा वो नंबर है जो फोर का मल्टीपल है तो अब 250 के जस्ट पहले आता है 249 जो कि फोर का मल्टीपल नहीं है उससे पहले आता है 248 और 248 जो है वो फोर का मल्टीपल है तो यानी कि ये बना हमारा एरेथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पे हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो है फोर ठीक है अब हमें निकालना है कि कितने ऐसे मल्टीपल्स होंगे यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है तो 248 ये हमारा एक एन एथ टर्म ही है तो हम कह सकते हैं कि एनएथ टर्म है 248। तो एन एथ टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू ए है पहला टर्म यानी कि 12 प्लस एन माइनस वन है 4, दिस इज इक्वल टू टू तो ये हो जाएगा फोर एन माइनस फोर इज इक्वल टू टू फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व तो फिर फोर एन हो जाएगा टू फोर्टी एट माइनस ट्वेल्व हो गया टू थर्टी सिक्स प्लस फोर तो एन हो जाएगा टू फोर्टी डिवाइडेड बाई फोर तो एन की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी यानी कि सिक्सटी मल्टीपल्स ऑफ फोर एग्जिस्ट बिटवीन टेन एंड टू फिफ्टी ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन for what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन डॉट 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 एंड थ्री टेन सेवनटीन डॉट 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 इक्वल तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग ap दिए हुए हैं दोनों का एक ऐसा nth term निकालना है जो same हो मतलब इसका nth term इस ap के लिए अगर हम एक an निकालते हैं और इस ए ए पी के लिए अगर हम एक ए एन निकालते हैं तो ये दोनों जो है ये आपस में बराबर हो तो ये हम करना चाह रहे हैं बेसिकली ठीक है तो पहले वाले ए पी के लिए जो एन एथ टर्म होगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए यहाँ पे है सिक्सटी थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो सिक्सटी फाइव माइनस सिक्सटी थ्री तो ये हो जाएगा टू दिस इज इक्वल टू यहाँ पर ए क्या है पहला टर्म थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा सेवन ठीक है तो अब एन की वैल्यू निकालनी है ये हो जाएगा टू एन माइनस टू ये हो जाएगा थ्री प्लस सेवन एन माइनस सेवन तो एन वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा थ्री माइनस सेवन प्लस टू माइनस सिक्सटी थ्री तो ये हो जाएगा माइनस फाइव एन इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी प्लस फाइव तो एन इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी फाइव बाय माइनस फाइव तो एन की वैल्यू हो जाएगी थर्टीन तो यानी कि थर्टींथ टर्म जो है वो दोनों एपी का बराबर होगा क्वेश्चन नंबर टेन फाइंड द ट्वेंटियथ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी थ्री एट थर्टीन अप टू टू फिफ्टी थ्री इस क्वेश्चन में हल्का सा एक ट्विस्ट है कि हमें ट्वेंटियथ टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि हमें यहाँ पीछे से ट्वेंटीएथ टर्म निकालना है अब जो फॉर्मूला हम यूज़ करते चले आ रहे हैं वो तो हम आगे से यूज़ करते हैं अब आगे से जो ट्वेंटीएथ टर्म है वो पीछे से ट्वेंटी टर्म होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है राइट right? तो पीछे से निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे सीरीज को उलट के लिखना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस ए पी को रिवर्स करना पड़ेगा यानी कि इसको पीछे से लिखेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा टू फिफ्टी थ्री अगला क्या होगा देखना पड़ेगा पहले कॉमन डिफरेंस देखते हैं क्या है तो कॉमन डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि कॉमन डिफरेंस है फाइव ठीक है ना अब चूंकि हम पीछे से लिख रहे हैं जब हम आगे से लिखते हैं तो क्या करते हैं हर एक टर्म के साथ पांच ऐड कर देते हैं फाइव ऐड कर देते हैं तो हमारा दूसरा टर्म बन जाता है अब हम पीछे से लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे हर टर्म में फाइव सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके पहले वाला टर्म बन जाएगा राइट तो टू फिफ्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा टू 248, 248 में माइनस फाइव करेंगे तो हम क्यों क्यों क्योंकि हम पीछे से लिख रहे हैं ठीक है ना 248 में माइनस फाइव करेंगे तो बन जाएगा 243 और इस तरीके से चलते चलते शुरुआत के तरफ आ जाएगा 8 और 3 1383 तो ऐसे हमने इसको रिवर्स कर दिया क्योंकि अगर हम शुरू से लेके ला लास्ट तक जाते तो हर एक टर्म में पाँच पाँच ऐड करते चले जाते और वैसे हमारा ए बनता ठीक है तो अब ये जो उल्टा हुआ ए है इसका पहला टर्म क्या हो गया टू इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस फाइव ठीक है तो अब हम निकाल सकते हैं ट्वेंटी टर्म ट्वेंटी टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन यानी कि ट्वेंटी माइनस वन इंटू डी तो ये हो जाएगा टू फिफ्टी थ्री प्लस नाइनटीन ये माइनस हो जाएगा नाइनटीन इंटू फाइव सो दिस इज इक्वल टू 158 तो मतलब पीछे से ट्वेंटी टर्म होगा 158 तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमको क्या करना है पूरे ए पी को रिवर्स कर देना है तो इस क्वेश्चन में जो कॉमनली मिस्टेक होती है वो होती है ये कॉमन डिफरेंस को निकालने में ठीक है तो कॉमन डिफरेंस को लॉजिकली समझो राइट तो अगर कॉमन डिफरेंस हमारा फाइव है इसका मतलब शुरू से लास्ट की तरफ लिखेंगे तो हर टर्म में हम प्लस फाइव करते चले जाएंगे ठीक है लेकिन जब लास्ट से सामने की तरफ आ रहे हैं तो हम माइनस फाइव करते चले जाएंगे राइट right? और उस तरीके से हम बड़ी ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म्स इज 44 फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला रिलेशन फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम है ट्वेंटी फोर ए पी का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा मतलब ए फोर प्लस ए एट जो है दैट इज ट्वेंटी फोर और सम ऑफ द दिक्सथ टर्म एंड टेंथ टर्म इज फोर्टी फोर ये हमारे गिवन कंडीशन है फोर्थ टर्म हम कैसे निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन यानी कि फोर माइनस वन इंटू डी एट्थ टर्म कैसे निकालेंगे ए प्लस एन माइनस वन यानी कि एट माइनस वन दैट इज सेवन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू ए प्लस टेन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो अगर हम टू को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है ये हमारा पहला इक्वेशन ठीक उसी तरह इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ए प्लस एन माइनस वन यानी कि फाइव डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन दैट इज नाइन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर ये हो जाएगा टू ए प्लस फोर्टीन डी इज इक्वल टू फोर्टी फोर टू कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू ट्वेंटी टू ये हो गया इक्वेशन टू अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं एक बार ए और डी निकल गया तो अब हम ए पी के पहले तीन टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे वन और टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये है हमारा इक्वेशन वन और ये है हमारा इक्वेशन टू जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे ए ए कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस टू डी ये हो जाएगा माइनस टेन तो फिर डी हो जाएगा फाइव ठीक है तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई फाइव अब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन वन से ए की वैल्यू हो जाएगी ट्वेल्व माइनस फाइव डी यानी कि ट्वेल्व माइनस फाइव इंटू फाइव तो ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फाइव दैट इज माइनस थर्टीन तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस थर्टीन और डी की वैल्यू हो जाएगी फाइव अब ये दोनों निकल गया तो हम एपी बना सकते हैं पहला टर्म हमारा है माइनस थर्टीन दूसरा टर्म क्या हो जाएगा माइनस थर्टीन प्लस फाइव यानी कि माइनस एट उसके बाद माइनस एट प्लस फाइव यानी कि माइनस थ्री उसके बाद माइनस थ्री प्लस फाइव यानी कि प्लस टू तो इस तरीके से हम एपी बना सकते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज माइनस एट प्लस थर्टीन विच इज़ प्लस फाइव और वही हमने निकाला था तो ये बन जाएगा हमारा एपी रामकली सेव्ड रुपीज़ फाइव इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ इयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाई रुपीज़ वन पॉइंट सेवन फाइव इफ़ इन एनएथ वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम रुपीज ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव फाइंड एन तो रामकली ने जो सेविंग्स शुरू की थी वो कितने से की थी फाइव रुपीज़ से फर्स्ट वीक में उसके बाद हर वीक उसकी सेविंग बढ़ती गई बाई रुपीज़ वन पॉइंट सेवन फाइव यानी कि इसके अगले वीक हो गया फाइव प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव उसके अगले वीक हो गया फाइव प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव प्लस वन पॉइंट सेवन फाइव उसके अगले वीक और एक और वन पॉइंट सेवन फाइव ऐड हो गया और ऐसे होते चला गया ठीक है एनत्थ वीक में उसकी सेविंग हो गई रुपीज़ ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव यानी कि जो इस ए पी का जो एनिथ टर्म है वो है ट्वेंटी पॉइंट प्वेंट सेवन फाइव तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि पहला टर्म जो है वो है फाइव और जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ वन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है देयर फोर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए एन की जगह हम लिख सकते हैं ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव ए की जगह लिख सकते हैं फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज़ वन पॉइंट सेवन फाइव अब आप इसको खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो अब लीनियर इक्वेशंस तो सॉल्व करना आपको आ ही गया होगा है ना तो इसको खुद ही सॉल्व करके आप N की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो ओके okay, तो यहाँ तक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नी कैसी रही सबको समझ आया बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एन टर्म ऑफ एपी और क्वेश्चंस तो हमने काफी सारे सॉल्व किए हैं तो अब इस पॉइंट पे आकर के हम थोड़ा पॉज लेंगे थोड़ा ब्रेक लेंगे ताकि एक साथ कहीं ओवरडोज ना हो जाए राइट तो अब हमें क्या करना है अब आपको यह करना है कि यहां तक मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन हैं अनसॉल्व्ड उनको सॉल्व करना है काफी कुछ तो मैंने सॉल्व करके दिखाया है बाकियों को आपको खुद सॉल्व करना है और अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप वापस हमसे पूछ सकते हैं वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम और अगले पार्ट में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी जो कि एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो इसलिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जो हमने इस वीडियो में पढ़ा एंड बी विद नेक्स्ट वीडियो